The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So welcome back, dosto. We are talking about jaundice. Jaundice kya hai aur kyun hota hai? Bilirubin kya hai? क्यों होता है, कैसे टेस्ट होता है, कैसे ठीक होता है. लेट्स टॉक अबाउट इट. राइट, पीलिया. पीलिया, सी, पीलिया यानी जॉन्डिस. जॉन्डिस तब होता है जब आपका स्किन, आपकी चमड़ी का कलर जो है, या आपकी आईज का कलर, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन का अंदर का कलर जो है वो येलो होने लगता है. वो येलो होता है बिलीरुबिन के वजह से. जी हाँ, ज्यादा बिलीरुबिन आपके खून में जब आ जाता है तो आपको जॉन्डिस हो जाता है. ये बिलीरुबिन एक येलो कलर का केमिकल है जो नॉर्मली आपका लिवर बनाता है. राइट, और ये हीमोग्लोबिन में भी होता है, खून के हीमोग्लोबिन में. सो जब बिलीरुबिन खून के हीमोग्लोबिन और लिवर में होता है तो लिवर की बीमारी में जॉन्डिस हो जाता है. खून के आरबीसी जिसमें हीमोग्लोबिन होता है उसके टूटने से भी खून में बिलीरुबिन बढ़ जाता है. सो दो तरीके, लिवर बीमारी, खून का टूटना यानी हीमोलिसिस, खून के सेल्स का टूटना, खून बहने के बराबर है, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये वो हीमोग्लोबिन वो सब्सटेंस है जो आपके खून के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, कैरी करता है सारे शरीर के अंदर. और जैसे रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं आपकी बॉडी के अंदर, नए सेल्स रिप्लेस करते हैं, ये जो पुराने सेल्स होते हैं वो लिवर के अंदर प्रोसेस हो जाकर किया जाता है. और जब लिवर ये रेड ब्लड सेल्स को हैंडल नहीं कर पाता, यानी लिवर ब्लड सेल्स को हैंडल नहीं कर पाता, तो ये ब्रेक डाउन होके बिलीरुबिन निकालते हैं. बिलीरुबिन बिल्डअप होता है आपकी बॉडी के अंदर और आपके स्किन को येलो कलर देता है. तो बेसिक चीज है, बेसिक चीज, रेड ब्लड सेल टूटेंगे, बिलीरुबिन निकालेंगे, लिवर में प्रॉब्लम होगी, बिलीरुबिन बनेगा. क्योंकि बिलीरुबिन को एक्सक्रीट करने का काम, बाहर निकालने का काम लिवर का है. वो गॉल ब्लैडर के थ्रू बाइल जो बनता है वो बिलीरुबिन से बनता है. बाइल जो आपका पित्त की थैली है, पित्त की थैली का जो पित्त बनता है वो बिलीरुबिन से बनता है. बाइल अगर वो नहीं निकलेगा बाहर, वहां ब्लॉकेज होगी तो भी बिलीरुबिन बढ़ेगा, तो भी जॉन्डिस होगा. यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन से जॉन्डिस होगा और बाकी सारी बीमारी से, लिवर की बीमारी से जॉन्डिस होगा. यानी सोचो, ब्लड की डिजीजेस से जॉन्डिस होगा, खून टूटेगा तो जॉन्डिस होगा, पीलिया होगा, कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जिससे बिलीरुबिन बाइल बनता है वो नहीं बन पा रहा तो वहां पर बिलीरुबिन बढ़ेगा, जॉन्डिस होगा, क्योंकि खून में बिलीरुबिन बढ़ने लग जाएगा. लिवर की बीमारी में ऑलरेडी हमने बताया, जैसे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस, इन सब में जॉन्डिस होगा. राइट, फैटी लिवर में जॉन्डिस हो सकता है, ग्रेट फाइब्रोसिस जब ज्यादा हो जाए. राइट, और हमने बताया बाइल जो गॉल ब्लैडर का आउटफ्लो है, जो डक्ट है, डक्ट में ब्लॉकेज हो जाए तो जॉन्डिस होगा. राइट, इन्फेक्शन हो जाए तो जॉन्डिस होगा. लिवर में इन्फेक्शन हो, बाइल सिस्टम, बिलियरी सिस्टम, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के रास्ते में इन्फेक्शन हो तो जॉन्डिस होगा. और कुछ दवाओं से भी जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस यानी बिलीरुबिन बढ़ सकता है. तो ये सारे कारण हो सकते हैं आपके जॉन्डिस होने के. राइट, लिवर के अंदर, सो लिवर जब ओवरलोड हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, दवाएं हो जाए, कोई कैंसर हो जाए, ब्लड डिसऑर्डर हो जाए, जब जॉन्डिस होगा तो क्या होगा, स्किन येलो हो जाएगी और मुंह के अंदर की स्किन भी येलो हो सकती है. आंख में जो व्हाइट पार्ट है वो येलो हो सकता है, उसमें भी सबसे पहले ऊपर का हिस्सा येलो होगा. तो आंख की जो ये पलक है इसको ऊपर करके नीचे देखने को बोलोगे तो दिखेगा आपको व्हाइट व्हाइट, नहीं येलो येलो. वो भी आपको डे लाइट में देखना है, येलो लाइट में देखोगे तो येलो तो वो कई बार सिर्फ शैडो के वजह से येलो दिखता है, तो वो येलो नहीं, डे लाइट में देखना होता है. उसके अलावा बिलीरुबिन स्टूल में नहीं आ रहा है तो स्टूल लैटरिन का जो नॉर्मल येलो कलर है वो व्हाइट होने लगेगा और यूरिन डार्क येलो होने लगेगा. ये सारी चीजें, और बिलीरुबिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके शरीर में खुजली होती जाएगी. बिलीरुबिन डिपॉजिट होता है तो खुजली करता है, इचिंग करता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल दीज थिंग्स. सो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आपको टेस्ट कराना है. एग्जाम्स और टेस्ट इसके क्या है, एग्जाम और टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है बिलीरुबिन का ब्लड टेस्ट, सीरम बिलीरुबिन ब्लड टेस्ट. और
हेपेटाइटिस वायरस के पैनल, हेपेटाइटिस तो नहीं है बेटा, हेपेटाइटिस ए बी सी, लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, पेट का अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, जो भी समझ में आया उसमें कुछ डाउट लगे कि भाई स्टोन है गॉल ब्लैडर के रास्ते में, तो एमआरसीपी, ईआरसीपी, ये गॉल ब्लैडर के रास्ते का स्टोन हो सकता है उसको निकालने के लिए, और कई बार परक्यूटेनियस ट्रांस हेपेटिक कोलेंजियोग्राम, ये भी वही है गॉल ब्लैडर के रास्ते को चेक करने वाला टेस्ट, या फिर कभी कभी कोलेस्ट्रॉल लेवल, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, लिवर बायोप्सी, लिवर की बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए, अल्टीमेटली वही चीज़ों का टेस्ट है। ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कारण पे, लिवर की बीमारी है तो लिवर ठीक करना पड़ेगा, हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस ठीक करना पड़ेगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हटाना पड़ेगा, गॉल ब्लैडर के रास्ते में स्टोन है तो ईआरसीपी स्टोन हटाना पड़ेगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो गॉल ब्लैडर निकालना पड़ सकता है दर्द हुआ तो। सो इन सब का इलाज अलग है, खून टूट रहा है, हीमोलिसिस हो रहा है तो उसका कारण ढूंढना पड़ेगा, उसका कारण मलेरिया भी हो सकता है, उसका कारण कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसका कारण कुछ और भी हो सकता है, कोई जेनेटिक बीमारी भी हो सकता है। तो जॉन्डिस का इलाज उसके कारण पे डिपेंड करता है, जब तक कारण नहीं पता, कोई ऐसी दवा नहीं है मैं जॉन्डिस की दवा ले रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं जॉन्डिस की दवा ले रहा हूं नहीं हो सकता, यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन, है ना, आपको रीजन पता करना पड़ेगा। कोई कॉमन इलाज नहीं है जॉन्डिस का, अगर कोई कहता है कॉमन इलाज है तो वो सिर्फ आपको मल्टीविटामिन दे रहे हैं लिवर के लिए, या लिवर की एंजाइम दे रहे हैं कि लिवर पे जोर कम हो जाए बस, और कुछ नहीं, और उम्मीद कर रहे हैं कि लिवर ठीक हो रहे और वो जब समय के साथ ठीक हो जाए, बात समझ आई, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसका इलाज क्या है, कारण ढूंढने पे इलाज मिलेगा, कारण नहीं ढूंढोगे, कारण नहीं पता, कारण नहीं डिस्कस करोगे डॉक्टर के साथ तो तुक्का है, तो किस्मत पे है, ठीक हो गए तो हो गए, नहीं तो गुड जय बाबा, कुछ भी जो होना हो गया तो बाबा बाबा जी मरती है, इसको क्या होना है कि नहीं। तो ये हुई बात जॉन्डिस के बारे में कि जॉन्डिस का इलाज क्या होता है, ऐसा बोलना बहुत मुश्किल है कि क्या इलाज होता है, एक सिंगल इलाज, इट्स ऑल अबाउट कारण, कारण ढूंढोगे तो ही, ठीक है। तो जॉन्डिस का कारण है बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हम एक और थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, राइट।